सब्सक्राइब करें एक इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार करेंट अफेयर का पार्ट 4, जिसमें हम शेयर करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बिहार करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा। और वीडियो के एंड में आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में वॉइस ऑफ सिडनी नामक संगीत प्रतियोगिता में बिहार के किस व्यक्ति ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए श्वेता, ऑप्शन बी पूनम, ऑप्शन सी संभावी और ऑप्शन डी है रचना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि संभावी। तो देखिए दोस्तों, संभावी जो है ऑस्ट्रेलिया में वॉइस ऑफ सिडनी नामक संगीत प्रतियोगिता में बिहार से है जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड स्थापित करने वाले यूपी के कैडर के आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी है आरा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बेगूसराय। तो देखिए दोस्तों, आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार का जो संबंध है वो बेगूसराय जिले से था। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल में पटना को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि द्वितीय। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल में पटना को जो है वो दूसरा स्थान हासिल हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का नंबर प्लेट किस रंग का लगाने का आदेश जारी हुआ है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी है हरा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हरा। तो बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का जो नंबर प्लेट है वो हरे रंग का लगाने का आदेश जारी हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य में सभी प्रकार की आपात सेवा के लिए सरकार के द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर से आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी है 112 और ऑप्शन डी है 101। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 112। तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में सभी प्रकार की आपात सेवा के लिए 112 का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बॉक्सिंग टीम का प्रबंधक बनाया गया? ऑप्शन ए है राजीव सिंह, ऑप्शन बी अजय कुमार, ऑप्शन सी है विवेक कुमार और ऑप्शन डी है संजीव सिंह। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि राजीव सिंह। तो देखिए दोस्तों, राजीव सिंह को भारतीय बॉक्सिंग टीम का प्रबंधक बनाया गया जो कि बिहार के थे। सेवन क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी खगड़िया। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नवादा। तो देखिए दोस्तों, रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो नवादा में किया गया है। एट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस स्थल की खुदाई के दौरान काले पत्थर की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी लखीसराय और ऑप्शन डी है आरा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि लखीसराय। तो देखिए दोस्तों, बिहार में खुदाई के दौरान किस जिले में, तो लखीसराय में खुदाई के दौरान काले पत्थर की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में एयर लेयरिंग पद्धति से निम्न में से किसके खेती की जाएगी? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी मखाना, ऑप्शन सी है सब्जी और ऑप्शन डी है गेहूं। तो देखिए दोस्तों, बिहार में एयर लेयरिंग पद्धति के द्वारा जो है वो ऑप्शन बी, यानी कि मखाना की खेती की जाएगी। किसकी की जाएगी? तो मखाना की खेती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। टेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 में कृषि आधारित उद्योग का विकास दर क्या रही है? ऑप्शन ए 3.6%, ऑप्शन बी 19.2%, ऑप्शन सी 8.14% और ऑप्शन डी 9.02%। तो देखिए दोस्तों, बिहार की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 की है उसमें 19.2% जो है विकास दर रही है कृषि की। कितनी रही है? तो 19.2%। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पोषण अभियान का ब्रांड अम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए है भावना कंठ, ऑप्शन बी अमर कुमार, ऑप्शन सी श्रेयसी सिंह और ऑप्शन डी है श्वेता सिंह।
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि श्रेयसी सिंह। तो बिहार अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसका, पोषण अभियान का, वो है श्रेयसी सिंह। 12 क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन ए है कपूरी ठाकुर, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी बैकुंठ शुक्ला और ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल। दोस्तों बिहार में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर राजकुमार शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि राजकुमार शुक्ल। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में पटना में बैंक एफडी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 40। इस रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले 3 वर्षों में पटना के एफडी में 40% की गिरावट आई है, कितने की आई है, तो 40% की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में बिहार के कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल भुगतान ऑनलाइन किया। ऑप्शन ए है 19%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 39% और ऑप्शन डी है 49%। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 29%। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कितने उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल ऑनलाइन किया है, तो वो 29% व्यक्तियों ने। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में बिहार प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 2019 के अधीन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा वार्षिक फीस वृद्धि अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 10%। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 7%। तो देखिए दोस्तों बिहार प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 2019 के द्वारा इसकी जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है वो 7% की गई है। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में स्थित किस संस्थान के छात्रों ने सोलर ई रिक्शा बनाया है। ऑप्शन ए है NIT पटना, ऑप्शन बी है IIT पटना, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा और ऑप्शन डी है इंजीनियरिंग कॉलेज गया। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि NIT पटना। तो देखिए दोस्तों NIT पटना संस्थान के छात्रों ने सोलर ई रिक्शा बनाया है। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाया जाएगा। ऑप्शन ए दानापुर, ऑप्शन बी फुलवारी शरीफ, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी है राजेंद्र नगर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाया जाएगा। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, पटना में आयोजित टैलेंट सर्च क्रिकेट लीग 4 अंडर 16 में कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 110 और ऑप्शन डी है 130। दोस्तों इसमें कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो वो हुआ है 130 खिलाड़ियों का, किसमें, टैलेंट सर्च क्रिकेट लीग 4 अंडर 16 में जो कि पटना में आयोजित हुआ था। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में BCCI ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को कितनी राशि प्रदान की है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 10 करोड़ रुपए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 10 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों हाल ही में जो BCCI क्रिकेट एसोसिएशन है उसने कितनी राशि प्रदान की है, तो 10 करोड़ रुपए राशि प्रदान की है, किसको, बिहार क्रिकेट को। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना जो है वो खोला गया है। ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बक्सर और ऑप्शन डी है आरा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि बिहार शरीफ। तो देखिए दोस्तों बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना जो है वो बिहार शरीफ में खोला गया है। बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21 क्वेश्चन है दोस्तों, नलिन वर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी रामविलास पासवान, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन डी है उपेंद्र कुशवाहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लालू प्रसाद यादव। तो देखिए दोस्तों कौन सी पुस्तक, तो गोपालगंज टू रायसीना किसके जीवन पर आधारित है, तो लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 से 19 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना क्रियान्वयन में प्रथम स्थान कौन सा जिला है।
ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है दरभंगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नालंदा। तो देखिए दोस्तों निश्चित योजना क्रियान्वयन में कौन सा जिला है प्रथम स्थान पे, तो वो है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य के लोग अपने कर्ज लौटाने में अग्रणी हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि बिहार। तो देखिए दोस्तों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार के लोग हैं वो अपना कर्ज लौटाने में अग्रणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों में फॉर्मलिन की उपस्थिति के कारण बिहार सरकार ने किस राज्य की मछलियों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश में मछलियों के फॉर्मलिन की उपस्थिति के कारण बिहार सरकार ने आंध्र प्रदेश से जो मछलियां आती थी उनमें रोक लगा दी है। दोस्तों ये था करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, बिहार पोषण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए है भावना कंठ, ऑप्शन बी है अमन कुमार, ऑप्शन सी श्रेयसी सिंह और ऑप्शन डी है श्वेता सिंह। दोस्तों आप सभी इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो पसंद आई हो आप सभी को तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही दोस्तों www.ekindiajob.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।